चाहते हैं कि हम इतिहास को भूलने नहीं देंगे दोस्तों, और इतिहास को भूलने नहीं देना चाहिए। और इतिहास अगर बनाना है तो इतिहास ही इतिहास बनाने के लिए शिक्षा देता है। जो समाज इतिहास भूल जाता है वो इतिहास बनाने की ताकत खो देता है। आज भी अगर हमारे मूल्य जीवित हैं तो रामायण और महाभारत की प्रेरणा के कारण हमारे मूल्य जीवित हैं। आज भी हमारे में शौर्य पड़ा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा प्रताप की याद के कारण पड़ा हुआ है। यही तो जीवन होता है। और अच्छाइयों का जीवन अच्छाइयों के लिए आगे बढ़ने की ताकत बन के रखता है। ये त्याग तपस्या बलिदान ये क्यों हुए थे कि हम उनको भूल जाए? अगर हम भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी किस लक्ष्य को लेकर के जिएगी? हर समाज का कर्तव्य होता है आने वाली पीढ़ी के लिए कोई लक्ष्य छोड़ करके जाना। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए कोई लक्ष्य नहीं होगा तो दुनिया के जिस प्रकार से अनेक समाज नष्ट हो चुके हैं हम भी खत्म हो जाएंगे। हम तो मानव जात के कल्याण के लिए पैदा हुए थे। श्याम जी का संबंध स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ बड़ा निकट का था। स्वामी दयानंद सरस्वती उनको अपना एक अंगत साथी के रूप में सारा कार्य वो उनको देना चाहते थे। वे संस्कृत के प्रधान पंडित के नाते दोनों का सत्संग हुआ करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो महापुरुष पसंद आए हो, ऐसे महापुरुष की क्षमता और शक्ति इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं?